हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिज्म मोटो। तो मैं एक काफ़ी बड़े ट्रिप का प्लान कर रहा था काफ़ी दिनों से, मतलब जीप लिया हूँ तो एक अच्छा ट्रिप बनता है, राइट? तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक लंबे ट्रिप का। तो उसके लिए पहला काम क्या है कि गाड़ी को सर्विसिंग देनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट गाड़ी लिए हुए 2.5 महीना आसपास हो चुका है और मैं 5000 किलोमीटर चला लिया हूँ। लास्ट में बेलगाम गया था करीब करीब 20-25 दिन पहले, और उसके बाद से गाड़ी मतलब मैंने निकाली ही नहीं है, तो काफ़ी गंदी हो गई गाड़ी। तो एक बार सर्विसिंग करवा लेता हूँ और जो भी इशू वगैरह है मैं बोल दूँगा, देख के थ्रूली चेक कर लो कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ काफ़ी लंबा ट्रिप है और मतलब कार का परफॉर्मेंस, फिर मतलब बंदों का परफॉर्मेंस कैसा है उस ट्रेन पे, ये भी पता चल जाएगा। तो यस, तो अभी अच्छा गाड़ी में क्या क्या काम है वो मैं बताऊंगा जब मैं गाड़ी का मेरे को डिलीवर हो जाएगी। मैंने बुक किया है इसको पिक एंड ड्रॉप, इससे 550 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहा था, और मतलब गाड़ी के लिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम रह जाएगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा क्या है कि मैंने पूछा उनके सर्विस एडवाइज़र से कि क्या मैं गाड़ी मतलब अंदर आके शूट कर सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप कैमरा लेकर अंदर नहीं आ सकते, आपको वेटिंग एरिया में वेट करना है और तब तक गाड़ी आपका रेडी होगा। तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है कि मैं अगर मतलब जाके वहाँ पे बैठ के शूट भी नहीं कर सकता हूँ तो क्या फ़ायदा वहाँ जाके भी, इससे बेटर है कि आप ले जाओ गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो ला के दे दो। तो बस यही है। तो एक जितना भी सर्विस का कॉस्ट है जो भी है मैं आपको बताता हूँ जब मुझे गाड़ी मिल जाएगी तब। तो ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की हालत कैसी है। काफ़ी गंदी हो चुकी है गाड़ी, क्योंकि मैं 20-25 दिन से एक्चुअली मैं इसको जो कार वॉश करने के लिए आता है सोसाइटी में मैं उसको नहीं देता हूँ। रीज़न है कि उनका कपड़ा वगैरह 10 कार पे मारते हैं, तो मुझे भरोसा नहीं है कि किस तरह का रहेगा। तो जब होता है, जब टाइम मिलता है तो मैं ही साफ़ करता हूँ, नहीं तो बाहर जाकर उसको वॉश करवाता हूँ। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. जीप सर्विस होके आ गई थी सेम डे नहीं, एक्चुअली एक दिन बाद, क्योंकि उसमें कुछ मैंने इशू था जो मैंने बताया था कि मैं बाद में बताता हूँ। तो एक तो उसके नंबर प्लेट जो था उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं था, और दूसरा नंबर प्लेट से कुछ आवाज़ हो रहा था, उसका एडजस्टमेंट था। दूसरा और एक और था कि कैबिन में नॉइस आ रहा था पीछे की तरफ में, तो वो एक फिक्स करवाना था। और मेरे कार में स्टार्ट स्टॉप फीचर शुरू से ही नहीं वर्क कर रहा था जब से कार की डिलीवरी मिली थी, तो वो एक इशू था। और हाँ, ये तीन इशू था एक्चुअली जो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट सर्विस में। और हाँ, एक और चीज़ था, क्योंकि मैं स्पीति ट्रिप प्लान कर रहा था। अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम तो आप लोग अगर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहा हो तो आप लोगों को मतलब अपडेट मिल रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ अभी। मैं तो अभी मैं हूँ, ये कौन सी जगह है, ये है सागर। मैं दिल्ली से करीब करीब 700 किलोमीटर पहले हूँ, तो मैं जा रहा हूँ स्पीति वैली के लिए। तो मतलब ये मैं वीडियो शूट यहीं से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिला, प्रिपरेशन वगैरह करना था इसके लिए। मैंने एड ब्लू ख़रीदा है। एक और बता देता हूँ, अगर BS6 इंजन है ना, तो जीप वाले लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जो है मतलब एड ब्लू मतलब इंडियन पेट्रोल पम्प या यहाँ से मत डलवाओ, वो सही नहीं रहता है कार के लिए। तो वो लोग जो रखता है मतलब जो वो यूज़ करते हैं वही कंटेनर मैं ख़रीद लेता हूँ उनसे। तो मैं स्पीति के लिए 2 कंटेनर मैंने ख़रीदा है, तो वो भी एक्चुअली बिल में एडेड है एड ब्लू। जनरली एक एड ब्लू से मैं देखा हूँ कि मुझे जो है 25 मुझे वार्निंग आया था, 25% बचा हुआ था तब वार्निंग आता है, वो था करीब करीब 5000 पहुँच चुकी थी कार, तब जाके 75% ख़त्म होता था। मुझे लगता है 6, 6.5 या 7 हज़ार किलोमीटर चलेगा एक बार फुल टैंक है तो एड ब्लू का। और कितना आता है, 13 लीटर के आसपास एड ब्लू ऐड होता है उसमें, यूरिया। एड ब्लू इज़ नथिंग बट यूरिया। तो मैं 2 कंटेनर एक्स्ट्रा लेके मतलब 5-5, 10 लीटर का कंटेनर लेके चला हूँ मैं, कि दिल्ली में जाके एक मेला टॉप अप कर दूंगा और एक का एंड जो बचेगा वो मैं स्पीति राउंड मारने के बाद जरूरत पड़ा तो मैं उसको डाल दूंगा बैकअप के लिए, होना चाहिए हमेशा। तो यही है। और सर्विस कॉस्ट जो है वो है टोटल मिला के जो मैंने पे किया है मतलब 1458, मतलब 1458 से मेरा एड ब्लू का है 10 लीटर जो मैंने ख़रीदा है। और जो सर्विस फर्स्ट सर्विस का जो कॉस्ट हुआ है वो है 1235 रुपया, 1235, ठीक है।
इसमें भी आई थिंक 800 रुपया व्हील अलाइनमेंट का है। तो व्हील अलाइनमेंट का कुछ 850 समथिंग आया है और सर्विसिंग का व्हील अलाइनमेंट का ही आया है, तो आप जोड़ लो 400-500 रुपये का कुछ सर्विस हुआ है उसमें, कुछ मतलब इंजन ऑयल वगैरह रहता है। आई थिंक उसने उन्होंने मेरे लिए वेव ऑफ कर दिया था इंजन ऑयल, सॉरी नॉट इंजन ऑयल, मतलब जो कंज्यूमेबल ऑयल होता है वो, तो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था वो। तो टोटल मिला के जो मेरे को फर्स्ट सर्विस का पे किया हूँ 1235 रुपये पे किया हूँ इंक्लूडिंग व्हील अलाइनमेंट। ओवरऑल मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था वो सारा का सारा मुझे रेक्टिफाई हो गया है। कैबिन में जो नॉइस था वो मेरे लिए मेन कंसर्न था, तो वो जो डोर था वो लूज़ था, तो उसका बुश जो था वो उन्होंने चेंज कर दिया है और अभी वो प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल नॉइस नहीं है और मुझे कोई मेजर फिलहाल इशू नहीं दिख रहा है। बस ये एक अपडेट था। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एक्चुअली मैं अभी निकला हुआ हूँ स्पीति ट्रिप के लिए, तो उसका अपडेट अगर आपको चाहिए तो जैसे मैं बताया कि आप मेरा चैनल टूरिज्म मोटो फॉलो करो। तो बस यही है इस वीडियो के लिए, छोटा सा वीडियो है, सिर्फ अपडेट करना था सर्विस का कॉस्ट कैसा था और कैसा सर्विस का कॉस्ट कैसा था और मेरा मतलब एक्सपीरियंस कैसा था सर्विस के लिए। तो हासिल फ्री मतलब एक्सपीरियंस था और कोई इशू नहीं था, वेरी प्रोफेशनल। उन्होंने जैसा बताया स्टार्ट स्टॉप फीचर जो शुरू से काम नहीं करता उसके लिए कुछ इशू था बैटरी में, तो वो जो मोपर शायद मोपर से पार्ट आता है या पता नहीं क्या है, आई एम नॉट श्योर कुछ तो है ऐसा नाम, तो उसका मतलब उन्होंने बैटरी रिप्लेस किया है, नया बैटरी डाला है कार में, तो शायद जो बैटरी था मेरा वो बहुत, क्योंकि हुआ क्या मैंने लॉकडाउन में कार खरीदा था राइट, तो 2 महीना लॉकडाउन था उस समय, 1.5-2 महीना, तो शायद कार बैठी थी उससे कुछ बैटरी डाउन हो गया क्या हो गया, आई हैव नो क्लू। तो अभी उन्होंने नया बैटरी डाला है और विदाउट एनी कॉस्ट, तो मतलब वो इशू अभी स्टार्ट स्टॉप प्रॉपर काम कर रहा है, कोई इशू नहीं उसमें। और भी जो मेरा प्रॉब्लम था मतलब जो भी मैंने बताया था वो सब भी सॉल्व हो चुका है। तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट सर्विस ऑफ चीफ कंपस 2021। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।